जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि आने वाले समय में शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र ग्रह 84 दिन तक कर्क राशि और सिंह राशि के अंदर वक्री और मार्गी अवस्था में रहेंगे, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। एक समय होगा जब शुक्र सिंह राशि में होंगे तो उस पर बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव भी होगा। उसका शुक्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो सब भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कि शुक्र कब कब राशि परिवर्तन करेंगे, कब वक्री होंगे, कब मार्गी होंगे। सामान्य तौर पर 22 से 28 दिन के बीच में शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन जब ये ग्रह वक्री हो जाता है तो वो उस राशियों के अंदर लंबे समय तक गोचर करता है। तो यही हमारा विषय है कि आने वाले 84 डेज कैसे रहने वाले हैं धनु राशि के लिए। सबसे पहले धनु राशि के लिए शुक्र ग्रह को मित्र नहीं कहा गया, यानी ये एक शत्रु ग्रह का गोचर चल रहा है और वो शत्रु ग्रह आपको कब और कहाँ किस तरीके से प्रभावित करने के लिए तैयार है वो सब मैं इस वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 6 जुलाई को शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र ग्रह आपकी राशि से अष्टम से निकलकर नवम भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। 6 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक शुक्र सामान्य मार्गीय अवस्था में रहेंगे, फिर ये वक्री हो जाएंगे और 7 अगस्त को ये वापस यहाँ आ जाएंगे, यानी लगभग 6 जुलाई से 7 अगस्त तक शुक्र भाग्य स्थान में रहेगा। अब सौम्य ग्रह होने के नाते, एक अच्छा ग्रह स्वभाव में शुभ ग्रह होने के नाते अगर शुक्र 9th हाउस में जाता है तो वो भाग्य को बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि वो 9th हाउस एक पवित्र स्थान के अंदर एक सौम्य ग्रह गया हुआ है। कहा जाता है केंद्र त्रिकोणों में बैठे हुए नेचुरल शुभ ग्रह या उनका गोचर शुभ फलदायी माना जाता है, यानी शुक्र कहीं ना कहीं आपके भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे। लेकिन एज ए लॉर्डशिप देखें कि छठे घर का मालिक अगर 9th हाउस में है तो संघर्ष कर रहे हैं आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए या अपने जीवन के लिए या अपना भाग्य बनाने के लिए, क्योंकि ये भाग्य स्थान में बैठा हुआ प्लेनेट है। लेकिन वहीं ये शुक्र लाभेश होके भी यहाँ है कि आपके द्वारा किया गया संघर्ष लाभ में परिवर्तित होगा, क्योंकि शुक्र दोनों जगह की स्थिति को निभाता है। यदि इसमें पॉजिटिव स्थिति देखें तो वो ज़्यादा है, ये है कि एक तो 9वें घर में है, शुभ ग्रह है, लाभ का मालिक होकर यहाँ बैठा हुआ है। भले ही छठे घर का मालिक है तो क्या हुआ, बाकी स्थितियां तो पॉजिटिव हैं, यानी कहीं ना कहीं शुक्र वहां बैठकर अच्छी स्थिति देता है, चाहे वो वक्री रहे चाहे वो मार्गी रहे तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस शुक्र पे 2 ग्रहों का प्रभाव भी है, क्योंकि शुक्र का तो हमने समझ लिया कि अगर वो 9th हाउस में आएगा तो कोई परेशानी की बात नहीं। जब इसको शनि देख रहा है, शनि को कहीं ना कहीं रोग कारक ग्रह भी माना जाता है, और शनि का संबंध अगर छठे घर से बने तो रोग देने में वो सक्षम है, कि छठे का मालिक 9वें घर में बैठा है, वक्री शनि उसे देखता है, तो ये समय पिता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। ये समय आपको कमर से दर्द या रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई दर्द या परेशानी ना देते, इस चीज़ का ध्यान रखें। वहीं इस शुक्र का संबंध शनि से, और शनि 3रे घर का मालिक है, भाग्य स्थान को देख रहा है, यानी भाग्य बनाने के लिए यात्राएं, परिवर्तन या पहले के मुकाबले ज़्यादा एफर्ट्स हो जाना भी शनि की बदौलत दिखता है, क्योंकि शनि धन का मालिक भी है, इसलिए ये कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम देगा। वहीं बृहस्पति राशि का मालिक होके पंचम भाव में बैठकर शुक्र को देख रहा है, यानी एक शुभ ग्रह की दृष्टि शुक्र पे आ गई, वो भी कौन है, आपकी राशि का मालिक है, कि भाई आप अच्छे स्थानों में बैठ गए, मैं आपको वापस देख रहा हूँ, यानी कहीं ना कहीं आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, कोई सम्मान में गिरावट नहीं आएगी। ये बृहस्पति इसको सपोर्ट भी करेगा, ये बृहस्पति उसको संभालेगा भी, ये बृहस्पति धन कारक होने के नाते इसको बेहतर स्थिति में देने में सक्षम होगा। अब आती है शुक्र की बारी, कि शुक्र ग्रह वापस उल्टी चाल चलते हुए 7 अगस्त को आते हैं, यहाँ समस्या शुरू होती है यहाँ पर, कि छठे घर का मालिक अष्टम भाव में, और लोग बात कहेंगे ये तो विपरीत राजयोग होता, विपरीत राजयोग के नियम इस पर नहीं लग रहे हैं, उसके नियम कुछ और हैं, मैंने उसके लिए अलग से वीडियो पहले बनाई थी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा विषय है। लेकिन यहाँ सिर्फ ये कह देना छठे का मालिक अष्टम में है तो विपरीत राजयोग होता है, वो नियम इस पर नहीं लगता। अब शुक्र ग्रह यहाँ 7 अगस्त को आता है, फिर 4 सितंबर को मार्गी हो जाता है वक्री से, फिर वापस चल के 1 अक्टूबर को सिंह में पहुँच जाता है, यानी जहाँ से यात्रा शुरू हुई थी वहीं पर पहुँच गया वापस, यानी ग्रह बड़ी जल्दबाजी में है, अष्टम भाव में वक्री भी है मार्गी भी है, अतिचारी स्थिति में रहेगा। छठे का मालिक अष्टम भाव में बैठे तो व्यर्थ की उलझनों से बचें, बिना वजह के झगड़े झंझट से दूर रहें, नहीं तो कोई ना कोई बिना वजह की समस्या आपके गले पड़ सकती है।
हेल्थ इश्यूज देने में ये सक्षम है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी प्रकार का ऋण आदि लोन आदि अगर लिया हुआ है तो वो थोड़ा टेंशन में आपको डाल सकता है। शत्रु क्रिएट हो सकते हैं, शत्रु एक्टिव हो सकते हैं, शत्रु आपको प्रॉब्लम देने की कोशिश कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लाभ का मालिक होकर अष्टम भाव में शुक्र का जाना आपके पैसे को रोकता है। बहुत बार प्रमोशन रुक गया, बहुत बार पैसे रुक गए, सैलरी रुक गई, लाभ आता हुआ रुक गया, 100% पैसे देने की बात ही 60% ही दिए हैं, तो आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा। आपको जब तक शुक्र यहाँ से नहीं निकल जाता है तब तक वेट करना पड़ेगा कि मेरे लाभ का मालिक अष्टम भाव में पीड़ित हो रहा है, वक्री हो रहा है, तो मुझे सावधान रहना है। क्योंकि ये छठे का मालिक है तो रोग ऋण रिपु, लाभ का मालिक है तो सोर्स ऑफ इनकम वो अष्टम में है, वक्री प्लस मार्गी। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी दिखाता है, चिंता भी दिखाता है। अगर मैंने इसमें रोग कहा है तो छठा घर रोग, छठा घर ऋण और छठा घर रिपु यानी शत्रुओं के लिए जाना जाता है। यानी बहुत सावधानी से आपको इस दौरान स्थितियों को चलाना होगा कि इस छोटे समय काल के अंदर आप अपना नुकसान ना कर लें, आप कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट ना कर लें, आप कोई परेशानी क्रिएट ना कर लें, आप बिना वजह के विवाद में ना फंस जाएं, इस बात का विशेष ध्यान आप को इस दौरान रखना होगा। जब शुक्र से संबंधित बात आती है तो कहा जाता है अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दुर्गा सप्तशती के अंदर जो देवी कवच है उसका पाठ इस दौरान रोजाना करना, यानी 2 महीने रोजाना देवी कवच का पाठ करना, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी और जो ग्रह नेगेटिव हो पॉजिटिव होकर आपके फेवर में हो जाएगा। तो ये था धनु राशि के जातकों के ऊपर कैसा रहेगा प्रभाव शुक्र के इस 84 दिन के गोचर का, वक्री और मार्गी होने का, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। जय श्री राम।